हेलो लर्नर्स वेलकम टू माय चैनल गुरुकुल ऑफ एक्सलेंस आई एम मेंटर राम भाई यादव लर्नर्स आज हम फ्लैमिंगो बुक से पोयम नंबर फाइव स्टार्ट कर रहे हैं इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट रॉबर्ट फ्रोस्ट वाज बोर्न इन 1874 एंड ही पास्ड अवे इन नाइनटीन सिक्सटी की रॉबर्ट फ्रोस्ट का बर्थ एटीन में हुआ है और उनकी डेथ 1963 में हुई है ही इज जे हाईली अक्लेम्ड अमेरिकन पोएट क्लेम्ड क्या होता है हाईली यू कैन से ऑनर्ड फेमस ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी यानी कि अब जैसे ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी चल रही है तो जो पिछली सेंचुरी थी उस सेंचुरी के बड़े ही फेमस पोएट हुए हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट रोट अबाउट कैरेक्टर्स पीपल एंड लैंडस्केप तो रॉबर्ट फ्रोस्ट ने कैरेक्टर्स के बारे में लिखा है पीपल के बारे में लिखा है और लैंडस्केप्स के बारे में लिखा है हिज पोएम्स आर कंसर्न विद ह्यूमन ट्रैजडीज एंड फियर्स तो जो रॉबर्ट फ्रोस्ट की पोएम्स है उनमें ह्यूमन ट्रैजडीज़ और फियर्स पे काफ़ी कंसर्न शो किया है कितना उनके बारे में काफ़ी लिखा है हिज रिएक्शंस टू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ एंड हिज अल्टीमेट एक्सेप्टेंस ऑफ हिज बर्डन्स और उन्होंने अपने रिएक्शंस दी है टुवर्ड्स द कम्पलेक्सिटीज ऑफ लाइफ की जो लाइफ है ये बड़ा ही जटिल है बड़ा कॉम्प्लेक्स है एंड ही अल्टीमेट एक्सेप्टेंस ऑफ हिज बर्डन और उन्होंने अल्टीमेटली एक्सेप्ट किया है कि लाइफ इट इज़ फुल ऑफ बर्डन्स काफ़ी दुख हैं दुख हैं परेशानियाँ हैं लाइफ में स्टॉपिंग बाई द वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग बर्चिज बैंडिंग वॉल्स आर ए फ्यू ऑफ द वेल नोन पोएम्स तो रॉबर्ट फ्रोस्ट की ये काफ़ी मशहूर काफ़ी फेमस पोएम्स हैं स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग बर्चिस एंड मैंडिंग वॉल्स इन दिस पोएम अ रोड साइड स्टैंड फ्रोस्ट प्रेजेंट्स द लाइव ऑफ पुअर डिप्राइव्ड पीपल इस पोएम में क्या है फ्रोस्ट हैज़ हाईलाइटेड द लाइव ऑफ पुअर डिप्राइव डिप्राइव्ड मीन्स जो सुख सुविधाओं के से परे होते हैं जिनको ये चीज़ें नहीं मिलती उन लोगों की लाइफ के बारे में है विथ पिटिलेस क्लैरिटी पिटिलेस मीन्स बिना किसी करुणा के बिना किसी दया से क्लैरिटी एंड विद द डीपेस्ट सिंपथी एंड ह्यूमैनिटी कि बड़े क्लियरली उन्होंने शो किया है कि लोग कितने क्रूअल हैं और पोएट उनके लिए डीपेस्ट सिंपथी और ह्यूमैनिटी शो करते हैं यानी कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए बड़े ही ह्यूमैनिटी शो करते हैं बड़ी दया शो करते हैं तो इस पोएम का ये थीम है अब पोएम स्टार्ट करने से पहले रीडर्स आई वुड लाइक टू आस्क ए क्वेश्चन इट्स गिवन इन योर पोएम ऑल्सो इन द बिगनिंग हैव यू एवर स्टॉप्ड एट ए रोड रोड साइड स्टैंड जैसे आप कहीं दूर कहीं घूमने जाते हैं फार अवे फ्रॉम सिटीज़ आप सिटीज़ के आसपास नहीं सिटीज़ से दूर देखिए जब आप सिटीज़ के आसपास पास जाते हैं तो आपको रोड साइड पर क्या मिलते हैं ढाबाज होटल्स मिलते हैं और जब आप सिटीज से बहुत ज़्यादा दूर जाते हैं तो आपको दिखाई देते होंगे छोटे छोटे शेड्स छोटी सी शॉप कहीं पे चाय का खोखा दिखेगा कहीं पे उससे थोड़ा छोटा सा आमिन शेड टाइप का जिसमें कुछ वेजिटेबल्स फ्रूट्स रखे होंगे तो इस टाइप के जो शेड्स वगैरह होते हैं पोएट उनको कह रहा है रोड साइड स्टैन और जब आपने देखा है व्हाट हैव यू ऑब्जर्व देयर तो जब आपने वहाँ पे ये चीज़ें अगर देखी हैं तो क्या ऑब्जर्व किया है चलिए डिस्कस करते हैं आई थिंक आपने डिस्कस किया होगा कि जो ये छोटे छोटे खोखे होते हैं छोटे छोटे शेड्स होते हैं इनके पास बहुत ही कम चीज़ें होती हैं और उनका जो शेड होता है वो बड़ा ही छोटा सा होता है उनके पास कोई इतनी सुख सुविधा नहीं होती है और दूसरी बात वो कोशिश करते हैं कि अपना सामान बेचें और कुछ पैसा कमाएं और इज्जत से अपनी फैमिली का और अपना गुजारा करें तो कुछ ऐसी ही बातें पोइट इस पोएम में डिस्कस कर रहे हैं हम हमारे साथ शेयर कर रहे हैं देखते हैं पढ़ने के बाद हमें क्या क्या समझ में आता है कि पोइट क्या शेयर करना चाहते हैं क्या कहना चाहते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम द रोड साइड स्टेप द पोएट सेज द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट एक न्यूड इन एट द रोडिक वॉज आउट लिटिल न्यू शेड की उसके जो बाहर एक छोटा सा लिटिल न्यू शेड है कि एक छोटा सा शेड बना रखा है शेड जैसे कि मैंने बताया एक छोटे सी शॉप टाइप में एक जैसे कच्चा जिस पर कच्ची फूस की या टिन की छत होती है उस तरह से तो छोटी सी एक शेड बना रखी है जिसको आप एक खोखा टाइप भी हो सकता है इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड और ये जो शेड है ये किधर है इन द फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड रोड के किनारे पर है फ्रंट साइड में है वेयर द ट्रैफिक स्पेड स्पेड मीन्स जो स्पीड से वहाँ ट्रैफिक जाता है उसके सामने है तो जैसे आप कहीं बाहर आउटिंग पे गए होंगे आपने देखा होगा कि दूर दराज के इलाके में कहीं कहीं छोटी सी शेड आपको दिख जाएगी तो उस वे में पोइट कहता है ए रोड साइड स्टैंड डेट टू पथेटिकली प्लेड कि पोइट कहते हैं कि जो ये रोड साइड स्टैंड है टू पथेटिकली कि बड़े ही पथेटिक मैनर में बड़े ही ऐसे लग रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है इन ए पिटिएबल मैनर ये प्लीड कर रहा है प्लेड इज द फॉर्म ऑफ प्लीड तो ये प्लीड कर रहा है रिक्वेस्ट कर रहा है जो भी ट्रैफिक जा रहा है उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है क्या कर रहा है इट वुड नॉट बी फेयर टू सी फॉर ए डॉल ऑफ ब्रेड कि ये फेयर नहीं होगा ये सही नहीं होगा कि ये किसकी रिक्वेस्ट कर रहा है फॉर ए डॉल ऑफ ब्रेड डॉल ऑफ ब्रेड का क्या मीनिंग होता है फॉर डोनेशन कि ये जो शेड खोला हुआ है तो इसमें जो लोग रहते हैं जिसने ये खोला है वो किसी डोनेशन के लिए आपसे नहीं मांग रहा है कोई डोनेशन नहीं मांग रहा है कोई भीख नहीं मांग रहा है बट फॉर सम ऑफ द मनी लेकिन किस लिए कि दे वॉन्ट सम मनी कि जो ये शेड ओनर्स होते हैं उनको कुछ पैसा चाहिए द कैश क्या चाहिए कैश हुज फ्लो सपोर्ट हुज मीन्स किसका कैश का सपोर्ट हुज किसके लिए यूज हुआ है for cash flow supports the flow of cities from sinking कि जो ये पैसा है ये जो flow of cities है उनको sink होने से यानी डूबने से and withering withering means drying faint faint means बेहोश होने से बचाता है यानी कि जो पैसा है वो जो cities की जो economy है उसको चलाता है उसकी growth करता है वही पैसा इन शेड ओनर्स को भी चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ चला सके और इसको आप देखिए इस वे में भी ले सकते हैं द फ्लावर ऑफ़ सिटीज़ फ्लावर ऑफ सिटीज़ क्या है जो सिटी के लोग हैं जो कि फ़्लावर्स की तरह नाजुक है कि अगर उनके पास पैसा ना हो तो उनकी लाइफ जल्दी से मुरझा जाती है जल्दी से फेंट हो जाती है सिंक हो जाती है तो यही पैसा इन शेड ओनर्स को चाहिए इन गरीब लोगों को चाहिए ताकि वो भी अपनी लाइफ को गुजार गुजार सके अपने लाइफ को प्रॉपरली चला सके आगे देखिए द पोलस्ड ट्रैफिक पास्ट विद अ माइंड अहेड लेकिन जो पोलिस्ड ट्रैफिक है यानी जो चमचमाती गाड़ियां हैं दे पास्ट विद ए माइंड अहेड वो उसको पास कर जाती है उसको क्रॉस कर जाती है शेड को उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती है क्योंकि उनका माइंड का हो कहाँ होता है अहेड होता है उनका सारा ध्यान आगे होता है कि जहाँ जिस डेस्टिनेशन पे उनको जाना है उनका सारा फोकस वहीं पे होता है और इफ़ एवर असाइड ए मोमेंट कि अगर बाई चांस थोड़ी सी देर के लिए अगर वो एक साइड रुकते हैं वहाँ रुकते हैं थोड़ा ब्रेक लेते हैं देन आउट ऑफ सोर्स आउट ऑफ सोर्स मीन्स यहाँ रुक के दे गेट इरीटेटेड उनको गुस्सा आ जाता है इरीटेट हो जाते हैं क्यों इरिटेट हो जाते हैं देखिए नेक्स्ट लाइन में इसका आंसर है एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट कि वो यहाँ रुक के देखते हैं कि जो इतना ब्यूटीफुल लैंडस्केप है इस शेड uh, के पीछे उसको मार्ड मार्ड मीन्स क्या होता है स्पॉयल कि उसको स्पॉयल कर दिया गया है ये छोटा सा शेड लगा के जो पीछे इतना सुंदर लैंडस्केप है उसकी ब्यूटी को स्पॉयल कर दिया है विद द आर्टलेस पेंट कि इस शेड को बड़े ही आर्टलेस मैनर में पेंट किया है जिससे जो लैंडस्केप है उसकी ब्यूटी खत्म हो गई है उसकी ब्यूटी खराब हो गई है तो इतने स्टेंजा को अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से पोइटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं देखिए पहली लाइन देखिए द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद ए लिटिल न्यू शेड की जो लिटिल ओल्ड हाउस है वो लिटिल न्यू शेड है यानी कि जो लिटिल वर्ड है ये रिपीट हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे रेपिटिशन दिस फिगर ऑफ स्पीच इज़ कॉल्ड रेपिटिशन जब कोई वर्ड या फ्रेज या कोई लाइन पोएट रिपीट करता है तो पोएट उस बात पे एम्फिसाइज़ करना चाहता है उस बात को फोर्सफुली कहना चाहता है यानी कि पोएट कहना चाह रहा है कि छोटा सा घर है और उसका छोटा सा ही शेड है अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट है इंजेमेंट इंजाममेंट क्या होता है जब किसी लाइन के एंड में कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं आता है और वो कॉन्टिन्यू करती है दैट फिगर ऑफ स्पीच इज़ कॉल्ड इंजाममेंट पहली लाइन ही देखिए द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद द लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वे द ट्रैफिक स्पेड कि यानी कि यहाँ से ये स्टार्ट होती है और यहाँ लास्ट सेकेंड लाइन के लास्ट में जाके कोमा लगता है तो अगर इस तरह से पोएट लिखी पोएट पोएम लिखता है तो दैट इज कॉल्ड इंजॉयमेंट इसको बोलते हैं इंजॉयमेंट आपको ये इस तरह की इंजॉयमेंट आगे भी मिलेगी देखिए बट फॉर सम ऑफ द मनी ये वाली लाइन देखिए यहाँ पर भी ये इंजॉयमेंट हो जाएगा ठीक है अब अगला देखिए अगला फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पे परसोनीफिकेशन परसोनीफिकेशन थर्ड लाइन में देखिए रोड साइड स्टैंड टू पथेटिकली मीन्स बड़े ही पथेटिक मैनर में बड़े ही आप कह सकते हो पिटिएबल मैनर में दयनीय रूप में तो यहाँ पे पथेटिक तो एक ह्यूमनली फीलिंग है और ये किसके लिए यूज हुई है कंडीशन ऑफ रोड साइड के लिए तो इसको हम कह सकते हैं परसोनीफिकेशन तो रोड साइड स्टैंड दैट टू पथेटिकल ऐसा लग रहा है कि स्टैंड बड़ी दयनीय स्थिति में खड़ा है ये इंसानियत की जो फीलिंग है तो इसलिए ये क्या हो गया परसोनीफिकेशन एक और देखिए पथेटिकली एंड प्लेड ये दोनों पी से स्टार्ट हो रहे हैं तो इस फिगर ऑफ स्पीच को बोलते हैं एलिट्रेशन जब सेम साउंडिंग वर्ड साथ साथ आते हैं दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन अगला देखिए जो नेक्स्ट लाइन है द फ्लार द पोलिस द से स्टार्ट हो रहे हैं जब भी कोई लाइंस सेम वर्ड से स्टार्ट होती है उस फिगर ऑफ स्पीच को बोलते हैं एना फोरा तो ये लाइन द द से स्टार्ट होने वाली ये क्या हो जाएगी एना फोरा अब इसके बाद देखिए ये लाइन नंबर जो हमारी है द दोलिस्ट ट्रैफिक पास्ट विद माइंड ए हैड इसमें देखिए आई साउंड बहुत बार रिपीट हो रही है इसी तरह इससे पहले वाली लाइन देखिए द फ्लावर ऑफ सिटीज सिंकिंग विदरिंग पेंट तो इन दोनों लाइन्स में आई बार 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 रिपीट हो रही है तो इसी तरह अगर कोई वॉवल रिपीट होता है उसको बोलते हैं एसोनेंस इस फिगर ऑफ स्पीच को बोलेंगे एसोनेंस अब ये देखिए नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है पॉलिस्ड ट्रैफिक ये है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है कि जो नाउन होता है उसके साथ जो एजेक्टिव लगता है वो उसके लिए नहीं होता वो किसी और चीज़ को सिम्बोलिक का होता है जैसे ये जो ट्रैफिक है ये पॉलिस्ड नहीं है ये किसके लिए यूज हुआ है कि जो सिटी पीपल हैं दे आर पॉलिस्ड कि वो उनके उनकी जो ग्रोथ है इकोनॉमिक ग्रोथ उसको शो कर रहा है ट्रैफिक को नहीं शो कर रहा है तो इसके साथ ही ये स्टेंजर आ, इसमें जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुए हैं ये हमने किए तो हमने देखा कि जो पोएट जो रोड साइड स्टैंड है उसकी जो पथेटिक कंडीशन है उसको शो कर रहा है और वो चाहता है कि जो भी रोड यूजर्स हैं जो भी व्हीकल वहाँ से गुजरते हैं वो कुछ टाइम के लिए रोड साइड स्टैंड पे रुके उनसे कुछ खरीदें क्योंकि वो डोनेशन या भीख मांगने के लिए नहीं है वो अपनी मेहनत से कुछ पैसा कमाना चाहते हैं ताकि वो भी एक अच्छी सी एक बिना किसी यू कैन से पोवर्टी के अपनी लाइफ को गुजर बसर कर सकें यस लेट्स व्हाट द पोएट सेज फर्दर तो आगे पोएट कहते हैं of signs that with n turned wrong and s turned wrong offer for sale wild berries in wooden quarts or crooked necked golden squash with silver warts or beauty rest in a beautiful mountain scene you have the money and if you want to be mean why keep your money this grossly and go alone The hurt to the scenery wouldn't be my complaint. तो so poet क्या कहते हैं देखिए अभी poet ने कहा कि अगर कुछ रुकते भी हैं लोग तो वो यहाँ पे आके irritate हो जाते हैं जैसे कि then out of सोर्स means they get irritated किस बात पर irritate होते हैं at having the landscape marred with the artless paint कि जो इन्होंने ये अपने shed यहाँ पे बना दिए हैं ये इतने ब्यूटीफुल माउंट जो ये लैंडस्केप है उसकी ब्यूटी को ख़राब कर रहे हैं स्पॉयल कर रहे हैं इस बात को लेकर इरिटेट होते हैं और दूसरी नेक्स्ट कौन सी बात है जिसको देख ये लोग इरीटेट होते हैं ये है ऑफ द साइन दैट विद एन टर्न रोंग एंड एस टर्न रोंग कि ये जो शेड ओनर्स होते हैं कई बार इंटेंशनली जानबूझ के जो साइन बोर्ड्स होते हैं एस और एन का साउथ एंड नॉर्थ का उसको उल्टी तरह से घुमा देते हैं ताकि लोगों का उस पर ध्यान जाए और उनका ध्यान डाइवर्ट होगा तो मे बी कुछ आ, जो ट्रैफिक है वो यहाँ रुकेगा यहाँ पे आएगा और उनकी कुछ चीज़ें परचेज कर लेगा तो इट कैन बी दैट तो जो ये लोग रुकते हैं वो इस बात के लेके भी काफ़ी अनोयड होते हैं कि जो साइन है, बोर्ड्स हैं वो रोंगली लगाए गए हैं ओफ़र्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स और ये जो लोग हैं जो रुकते हैं वो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ इन शेड ओनर्स ने बेरीज जो कि एक तरह का फ्रूट होता है वहाँ पे वुडन क्वार्स क्वार्ड्स क्या होते हैं बॉटल्स और कंटेनर्स जैसे कि आप टोकरी या उस तरह के कुछ भी जो गांव के लोग रखते हैं अपना सामान बेचने के लिए उस वे में है तो उन्होंने अपनी बेरीज को वुडन टोकरी में बेचने के लिए वहाँ पे सजाया हुआ है रखा हुआ है और क्रूकनेक गोल्डन स्क्वैश और उन्होंने वहाँ पे क्रोक्ड नेक क्रूकनेक मीन्स क्या होता है टेढ़ी मेढ़ी सी थोड़ी मुड़ी हुई सी गोल्डन कलर की स्क्वैश है स्क्वैश क्या है अ टाइप ऑफ वेजिटेबल जस्ट लाइक गोड़ की घिया की कद्दू की तरह की एक वेजिटेबल है उसको वहाँ पर रखा हुआ जो है जो कि क्रूक नेक्ड है यानी कि बिल्कुल जो आ, सिटीज में मिलती है बिल्कुल साफ सुथरी इस तरह से नहीं थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है उसको वहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है विद सिल्वर वॉट्स वाट्स मीन्स क्या होते हैं जिसके ऊपर सिल्वर कलर के लम्ब्स है यानी कि जो थोड़ा हार्डनेस हो जाती है उसकी स्किन पे उस तरह के लम्ब्स हैं और ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन और क्या कहते हैं कि वहाँ पे जो ब्यूटी ब्यूटीफुल सीन है माउंटेनियस रीजन में उसको ये सारी चीजें यानी कि देखिए कहाँ तो इतना ब्यूटीफुल लैंडस्केप है माउंटेनियस रीजन है वहाँ पे ये छोटी सी जो शेड है और उस जो यहाँ पे इन्होंने जो बेचने का सामान रखा है वो भी बेरीज हैं और जो वेजिटेबल्स हैं उनकी भी कोई क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है तो ऐसा लग रहा है कि इतनी ब्यूटीफुल माउंटेन में यहाँ पे ब्यूटीफुल माउंटेनियस रीजन में उसकी ब्यूटी को कम कर रहे हैं दैट इज़ मारिंग द ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप यू हैव द मनी अब यू पोएट किसके लिए यूज कर रहे हैं पोएट यहाँ यू कर रहे हैं जो भी ट्रैफिक ओनर्स है जो यहाँ से पास हो रहे हैं उनको कहते हैं कि यू हैव द मनी कि आप लोगों के पास पैसा है बट इफ़ यू वॉन्ट टू बी मीन मीन किस लिए कह रहे हैं माइजर कि अगर तुम्हारे पास पैसा है लेकिन तुम माइजर बनना चाहते हो कंजूस बनना चाहते हो यानी कुछ नहीं खरीदते अगर इन गरीब लोगों से तो वाई कीप यूर मनी कि वाई डू यू कीप द मनी अगर पैसा है और कुछ खरीदते नहीं हो तो दिस क्रोसली क्रोसली का मीनिंग क्या होता है दिस थिंग द पोइट से इज एंगली कि गुस्से में कहते हैं कि फोर इफ़ यू हैव मनी एंड यू डोंट परचेज दो वट इज़ द यूज़ ऑफ दैट मनी देखिए पैसा है और अगर हम उससे कुछ खरीदेंगे तो उसका सर्कुलेशन होगा इससे हर किसी की ग्रोथ होगी तो पोइट कहते हैं जब तुम्हारे पास पैसा है और कुछ खरीदते नहीं हो तो इस बात पे पोइट को गुस्सा आता है एंड गो अलों तो फिर चले जाओ कि यू यू नीड नॉट टू स्टॉप हेयर इफ़ यू डोंट वांट टू स्पेंड योर मनी तो एक तरह से पोइट ये कहना चाहता है कि हम सुनते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी ग्रो हो रही है लेकिन फिर भी द नंबर ऑफ पुअर पीपल बढ़ते जा रहे हैं क्यों बढ़ते जा रहे हैं कि जो रिच पीपल है दे आर नॉट स्पेंडिंग वे मनी ऑन पुअर बहुत सी बार ऐसा होता है देखिए इस मामले में ये भी आप एग्जांपल ले सकते हैं कि आप मॉल्स में जाते हैं बड़ी शॉप्स पे जाते हैं वहाँ पे आप बहुत महंगी महंगी चीज़ें बड़ी इजीली ख़रीद लेते हैं लेकिन जो ये रोड साइड स्टैंड ओनर्स हैं ये अपनी गृहस्थी को चलाने के लिए अपना घर चलाने के लिए अगर वो कुछ बेच के सामान अपना घर चलाने चाहते हैं तो हम लोग जिनके पास कुछ पैसा है अगर उनका थोड़ा सा सामान खरीद लें तो शायद वो भी अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार पाए उनकी लाइफ भी अच्छे से चल सके तो यानी जिनके पास पैसा है अगर वो उसका फ्लो होगा यानी उसका मूवमेंट होगा तभी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी अब चलिए देखते हैं कि इस पार्ट uh, में कौन कौन से पोइटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं ये देखिए यहाँ से और इफ़ एवर असाइड मीन्स एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ग विद द आर्टलेस पेंट ऑफ साइंस विद दैट विद एंड टर्न रोंग ये सारा क्या है इंजेमेंट है यानी कि यहाँ पे कोई कोमा फुल स्टॉप नहीं आया दिस इज इंजेमेंट आप ये देखिए इस लाइन में ऑफर फॉर सेल वुडन यहाँ पे ओ साउंड का रिपीट हो रहा है ओ साउंड बार बार आ रही है इसको बोलेंगे एसोनेस और इससे अगली लाइन में भी देखिए क्रूक्ड और क्रूब्ड गोल्डन यहाँ पे ओ साउंड भी रिपीट हो रही है और इसके साथ साथ के साउंड भी रिपीट हो रही है क्रूब्ड नेक्ड और उसके साथ एस साउंड भी देखिए स्क्वैश सिल्वर वाट्स तो दिस इज कॉल्ड कॉन्सोनेंस अब देखिए ये जो दो लाइन है और से बिगिन हो रही है ये दोनों तो ये हो जाएगा एनाफोरा तो ये फिगर ऑफ स्पीच थे इस टेंजा में अब चलिए नेक्स्ट टैंजा देखते हैं वहाँ पोइट क्या कहते हैं नाओ लेट्स वर्ट द पोएट सीज फर्दर हर्ट टू दीनरी वुडन्ट बी माई कंप्लेन कि पोइट कहते हैं कि जो ये सीनरी को हर्ट कर रहे हैं रोड साइड स्टैंड ओनर्स हैं अपना जो छोटा सा रोड साइड स्टैंड एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप के पास लगा के सीनरी को खराब कर रहे हैं दैट वु डेंट बी माई कंप्लेन की ये मेरी कंप्लेन नहीं है कि उन्होंने नेचुरल ब्यूटी को स्पॉयल किया है वो जो इतना ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सीन है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो दैट इज नॉट माई कंप्लेन पोइट की कंप्लेंट क्या है आगे क्या कहते हैं सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वट इज़ अन सैड कि यहाँ पे क्या है पोइट ये फील करता है कि जो ये लोग हैं इनका जो ट्रस्टिंग सोरो है कि यानी कि इन्होंने ट्रस्ट किया था देखिए जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं कुछ शॉप या कुछ शेड लगा के बैठते हैं जो भी कोई इंसान तो वो सोचता है कि शायद लोग उसकी चीज़ें खरीदेंगे तो उसको थोड़ा ट्रस्ट होता है भरोसा होता है कि लोग उसका सामान खरीदेंगे तो उसको जो ये शेड ओनर्स होते हैं इनको बड़ा ही सोरो होता है क्योंकि उनका जो ट्रस्ट होता है उसका उसको ब्रीच किया जाता है क्योंकि उसके मीन्स विश्वास पे थोड़ा सा अटैक होता है उसका विश्वास टूटता है किस वे में टूटता है कि जो ये ट्रैफिक ओनर्स हैं जो यहाँ से पास होने वाले जो व्हीकल्स हैं वो लोग रुकते नहीं हैं उसका सामान नहीं खरीदते हैं तो उस वे में पॉइंट कहना चाह रहे हैं सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वट इज अनसेड कि मुझे तो ये बुरा नहीं लगता जितना कि जो इन लोगों ने जिस ट्रस्ट के साथ यहाँ पे ये शेड लगाया था उनको जो हर्ट होता है तो उनको जो सोरो की फीलिंग होती है दैट इज अनसेड उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि यानी कि जो उनका भरोसा था कि हम कुछ पैसा कमाएंगे इस शेड से अपना घर का गुजारा करेंगे तो उनका ये जो ट्रस्ट है ये टूटता है दैट्स वाई दे आर इन सोरो फार फ्रॉम द सिटी वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड कि यहाँ यहाँ पर फार फ्राम दिटी यानी सिटी से काफ़ी दूर वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड के हम अपना रोड साइड स्टैंड बनाते हैं एंड आज फॉर सम सिटी मनी टू फील इन देंड और हमारा पर्पज़ क्या है कि जो सिटी मनी है उसको हम भी अपने हाथ में फील कर सके यानि कि हम भी दो पैसे कमा सकें अपनी फैमिली और अपना गुजर बसर कर सकें टू ट्राई इफ़ इट विल नॉट मेक आवर बींग एक्सपेंड एंड और क्या करते हैं टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बींग एक्सपेंड और ये देखते हैं कि यहाँ पर अब उनकी कोई ज़्यादा सेल नहीं होती है तो वो ट्राई करते हैं कि अपने आप को भी एक्सपेंड करें उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो लेकिन ऐसा फील नहीं कर पाते हैं एंड गिव वज द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रोमिस तो अब ये देखते हैं कि जैसे मूविंग पिक्चर्स मूविंग पिक्चर्स किसके लिए यूज हुआ है सिनेमा के लिए थिएटर के लिए कि जैसे ये लोग सिनेमा में देखते हैं कि जो लोग ऐसे काम करते हैं तो एक दिन उनकी लाइफ बदल जाती है तो ऐसा लगता है कि ये जो प्रोमिसज जो पिक्चर्स में दिखाए जाते हैं वो सिर्फ पिक्चर्स में ही होते हैं रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है तो जब इन्होंने पिक्चर्स देखी कि हम भी कुछ काम करेंगे मेहनत करेंगे एक दिन हमारे दिन भी बदलेंगे तो इट डजेंट हैपन in their lives that the party in the power is said to be keeping from us keeping from us means humse dur rakhna keeping away from them ki aisa lagta hai ki jo party power mein hai yani ki jo government hai aur aapne dekha hoga elections ke time jo political parties hoti hain wo bade bade वादे करती हैं इतना अपना बड़ा सारा आ, क्या बोलते हैं उसको अपने पार्टी एजेंडा शो करती है कि हम फाइव इयर्स में नेक्स्ट ये ये करने वाले हैं लेकिन ऐसा कुछ धरातल पे नज़र नहीं आता है तो ऐसा लगता है कि जो पार्टी इन पावर है जो गवर्नमेंट है जो उसने इलेक्शन के टाइम पे जो कुछ कहा था उन सब वादों से मुकर रही है दे आर नॉट कीपिंग देयर प्रोमिस वो अपने वादे नहीं निभा रही है तो पोएट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो गवर्नमेंट है एक तरह से उनके ऊपर भी एक टोंट कर रहे हैं कि इतने वादे करती हैं जो पॉलिटिकल पार्टी पार्टीज होती हैं बिफोर इलेक्शंस और आफ्टर इलेक्शन उन सबको भूल जाते हैं तो अब देखिए इस टेंजा में क्या क्या पोइटिक डिवाइसिस यूज हुए हैं पहला देखिए एलिट्रेशन का यूज फार फ्रो दोनों एफ से स्टार्ट हो रहे हैं क्या है एलिट्रेशन इसके बाद देखिए नेक्स्ट इज पिक्चर्स प्रोमिस ये भी दोनों किससे स्टार्ट हो रहे हैं पी से स्टार्ट हो रहे हैं ये भी एलिट्रेशन हो जाएगा इसी तरह से ये देखिए दैट द टी से स्टार्ट हो रहे ये भी क्या हो जाएगा एलिट्रेशन हो जाएगा इसी तरह ये लाइन देखिए सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वट इज़ अनसेड इसमें एस साउंड काफ़ी बार रिपीट हुई है तो ये क्या हो जाएगी कॉन्सोनेंस इसको बोलेंगे कॉन्सोनेंस अब देखिए ये जो, जो लाइन सेकेंड से स्टार्ट है और उसके बाद ये पूरी लाइन ये पूरी लाइन यहाँ पे जाके कोमा आता है तो अगर एक या दो लाइन विदाउट एनी कोमा फुल स्टॉप चलती है इस फिगर ऑफ स्पीच को बोलते हैं इंजेमेंट तो ये सब यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुए हैं अब चलते हैं नेक्स्ट टेंजा पर नाउ लेट्स पोएट सेज इन द नेक्स्ट एंजा इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज ब्यूटिफुल आर टू बी बोट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन विजेस कि इट इज़ इन द न्यूज़ कि ये अभी खबरों में है इन खबरों का बाजार गर्म है किन खबरों का दैट ऑल दीज प्यूटिफुल किन ये कौन है जो सारे गरीब लोग हैं जो रोड साइड स्टैंड वगैरह लगाते हैं इस तरह के जो लोग हैं आर टू बी बोट आउट कि इनको बाहर निकाला जाएगा एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन और इन पे बड़ी दया दिखाते हुए इनको इकट्ठा किया जाएगा इन टू लिव इन विलेजेस तो इनको गांव में रहने के लिए इकट्ठा किया जाएगा इनके ऊपर दया दिखाई जाएगी इन पे रहम किया जाएगा इनका यू कैन से इकोनॉमिक अपलिफमेंट किया जाएगा और कौन से विजेज़ में नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर कि इनके जो विलेज़ज़ हैं जो बनाए जाएंगे कहाँ होंगे नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर इट मे बी यू कैन से मॉल्स एंड मल्टी मल्टीप्लेक्स स्टोर्स जो भी हैं जो नए खुलने वाले हैं उनके आसपास इन लोगों के लिए विलेजेस बनाए जाएंगे वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर देम सेल्व मोर और इन विलेजेस में उनको अपने बारे में ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा एनी मोर मीन्स अब ज़्यादा उनको अपने बारे में सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनके अपलिवमेंट की प्लानिंग बन रही है इनका यू कैन से इकोनॉमिक ग्रोथ का प्लान बन चुका है ये सब न्यूज़ में है वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे अब देखिए पोइट क्या कहते हैं कि ग्रीडी गुड डूअर ग्रीडी मीन्स होता है लालची गुड डूअर होता है जो आपका भला करता है यानी कि जो भला करने वाला है वो ग्रेडी नहीं हो सकता और जो ग्रीडी है वो गुड डूअर नहीं हो सकता यानी कि दोनों बातें एक दूसरे से कंट्राडिक्ट कर रही हैं ऑपोजिट बातें हैं तो अगर इस तरह से पोइट पोएम में कहीं भी यूज करते हैं उसको बोलते हैं ओगजी मोरन बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे बेनिफिशेंट मीन्स जो आपको बेनिफिट दे जो आपका फ़ायदा करे बीस्ट ऑफ प्रे क्या होते हैं जो आपका शिकार करें यानी कि जो आपका शिकार करेगा वो आपको बेनिफिट तो नहीं देने वाला दैट इज़ गोइंग टू किल यू वो आपका आपसे अपना बेनिफिट निकालेगा तो ये दोनों बातें भी आपस में कंट्राडिक्ट करती है ये भी ओगजीमोरोन हो जाएगी तो पोएट कहते हैं कि जो इनके अपलीफमेंट की प्लानिंग जो लोग कर रहे हैं ऐसा लग रहा है वो क्या है ग्रीडी गुड डूअर्स की जो अच्छा करने के बहाने वो अपना खुद का उल्लू सीधा कर रहे हैं वो बड़े ग्रीडी हैं दे आर गोइंग तो टू फूल दीज पुअर पीपल एंड वट दे आर दे आर बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे कि ये इनका शिकार करने वाले गरीब लोगों का और उससे अपना बेनिफिट करने वाले वो अपना फ़ायदा कमाने वाले हैं क्या करेंगे ये लोग स्वॉम ओवर देर लाइव वो उनकी जिंदगी के ऊपर मंडराएंगे स्वॉम ओवर मीन्स मंडराना देअर लाइव मीन्स लाइव ऑफ द पुअर पीपल इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स और उसको इन्फोर्स करके क्या करेंगे अपना बेनिफिट निकालेंगे यानी कि उन पर इस तरह से मंडराएंगे गरीब लोगों के ऊपर कि उससे अपना उल्लू सीधा करने वाले हैं दे आर गोइंग टू मेक देयर ओन बेनिफिट्स बाई बिफूलिंग दीज पुअर पीपल दैट आर कैलकुलेटेड कैलकुलेटेड मीन्स क्या होता है प्लैंड कि ये तो उनकी ऑलरेडी प्लान प्लानिंग है टू सूद सूद मीन्स आप किसी को आप पेन से दुख से तकलीफ से निकालना देट इज कॉल्ड सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स आउट ऑफ विट्स का मीनिंग क्या होता है टू बिफुल कि ऐसा लग रहा है कि वो उनको सूदिंग उनको सुख देने के बहाने वो उनको पागल बनाएंगे आउट ऑफ द विट्स मीन्स दे आर गोइंग टू बिफुल देम एंड बाई टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे और जो ये बेनिफिशेंट बीस्ट ऑफ प्रे है ग्रीडी गुड डूअर्स हैं वो क्या सिखाएंगे उनको दे विल टीच देम हाउ टू स्लीप और इस तरह से उनको सोना सिखा देंगे कि दे दे स्लीप ऑल डे कि वो पूरा दिन सोएंगे डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट और ये जो उनका स्लीपिंग पैटर्न चेंज करके क्या करेंगे दे विल डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट जो रात को सोने का एक नेचुरल तरीका है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे द एंशियंट वे जो कि हमारा पुराना ट्रेडिशनल मेथड है कि हम दिन में जाग के काम करते हैं और रात को सोते हैं लेकिन जो ये ग्रीडी गुड डूअर्स हैं बेनिफिशेंट बीस्ट ऑफ प्रे हैं जो कह रहे हैं कि इन गरीब लोगों के लिए नया मीन्स विलेज बसाने वाले हैं नियर द थिएटर्स एंड स्टोर तो एक तरह से वो इनको पागल बना रहे हैं जो इनको रात के सोने का तरीका है उसको ख़त्म करेंगे उनको दिन में सोने के लिए बोलेंगे तो आप अगर लर्नर्स ध्यान से अगर इस पोएम इस टैंडर को देख रहे हैं देखिए उनके गांव कहाँ बसाए जाएंगे नियर द थिएटर्स एंड नियर द स्टोर्स और आपने देखा होगा कि थिएटर्स लेट नाइट तक खुलते हैं और जो स्टोर्स होते हैं मॉल्स होते हैं वो भी लेट नाइट तक खुलते हैं यानी जब आप गरीब लोग आ, वहाँ पर क्या वहाँ पर उनको जॉब दिया जाएगा तो अगर वो लोग वहाँ काम करेंगे तो उनकी रात की नींद तो वैसे ही खराब होने वाली है और आपने देखा होगा मॉल्स वगैरह सुबह लेट खुलते हैं तो एक तरह से ये जो लोग हैं अमीर लोग हैं जो पागल बना रहे हैं कि इनके लिए विलेजेस बसाए जा रहे हैं इनका फ़ायदा करने वाले हैं तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला एक्चुअल में वे अपना ही फ़ायदा करने वाले हैं इन गरीब लोगों को पागल बना के तो अब देखते हैं कौन कौन सी पोइटिक डिवाइसेस इस टेंजा में यूज हुए हैं सबसे पहले ये देखिए कि जो ये फर्स्ट लाइन है सेकंड लाइन है कोई कॉमा नहीं है तो ये क्या हो जाएगा इंजैमेंट है इंजैमेंट आपको पहले पता लग चुका है कि वेन द लाइन्स कॉन्टिन्यू विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क दैट इज इंजाममेंट इसके बाद देखिए ग्रीडी गुड डूअर्स जी से स्टार्ट हो रहा है बेनिफिशेंट बीस्ट दोनों ये बी से स्टार्ट हो रहे हैं यानी सेम साउंडिंग वर्ड जब साथ साथ आते हैं उनको क्या बोलते हैं एलिट्रेशन तो ग्रीडी गुड डूअर्स एंड बेनिफिशेंट बीस्ट ये क्या है एलिट्रेशन इसी तरह ग्रीडी गुड डूअर यानी कि दो ऑपोजिट चीज़ें साथ साथ आई आइए ग्रीडी लोग गुड डूअर्स नहीं हो सकते और गुड डूअर ग्रीडी नहीं होगा इसी तरह बेनिफिसट बीस्ट ऑफ प्रे यानी बेनिफिसेंट होगा तो बीस्ट ऑफ प्रे नहीं होगा बीस्ट ऑफ प्रे है तो बेनिफिशेंट नहीं होगा ये क्या हो जाएगा ओगजिमोर इसके बाद देखिए एसोनेंस एसोनेंस क्या होती है जब कोई वोवेल साउंड रिपीट होती है दैट इज कॉल्ड एसोनेंस ये देखिए यहाँ पे स्वाम ओवर देयर लाइव इनफोर्सिंग बेनिफिट तो इसमें आई कितनी बार रिपीट हो रहा है आई तो ये ई साउंड रिपीट हो रही है दैट विल बी एसोनेंस व्हेन वोवेल साउंड इज रिपीटेड इट इज़ एसोनेंस और इसी तरह कॉन्सोनेंस भी है अगली लाइन देखिए दैट कैलकुलेटिड सूद डैम आउट देयर विड्स यानी टी और टी एच ये दोनों साउंड्स यहाँ पे रिपीट हो रही है ये क्या हो जाएगा कॉन्सोनेंस। और इसी तरह ये लाइन देखिए टू लिव इन विलेज नेक्स्ट टू द थिएटर द स्टोर यानी कि यहाँ पे भी टी और टी एच साउंड रिपीट हो रही है तो ये भी क्या हो जाएगा कॉन्सोनेंस। तो लर्नर्स ये इस स्टैंडर के एक्सप्लेनेशन और फिगर्स ऑफ स्पीच है अब चलिए नेक्स्ट एंजा देखते हैं समटाइम्स आई आई फील कैन हार्डली द थॉट ऑफ सो मच चाइल्ड इज लॉन्गिंग इन वेन द सैडनेस दैट लर्कस नियर द ओपन विंडो देयर तो अब पोइट कहते हैं कि समटाइम्स आई फील आई पोइट अपने लिए यूज कर रहा है कि कई बार मुझे फील होता है कि आई कैन हार्डली बी कि मैं ये सब टॉलरेट नहीं कर पाऊँगा ये सहन नहीं कर सकता द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन कि मेरा जो थॉट है, है एक तरह से चाइल्डिश लॉन्गिंग है एक मूर्खतापूर्ण डिजायर है इच्छा है दैट इज ऑल इन वेन ये सब व्यर्थ का है यहाँ पे ऐसा लगता है इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है सैडनेस दैट लर्कस नियर द ओपन विंडो देयर यहाँ पे जो सैडनेस है जो लर्कस ओवर मीन्स जो वहाँ पे घूमती रहती है नियर द ओपन विंडो की सेंस में कि जो ओपन विंडो में जो शेड का मालिक बैठा है जो ग्राहकों की वेट कर रहा है वो बड़ा सैड हो जाता है तो ये उसके उसकी सैडनेस है कि जो बेचारा शेड ओनर पूरा दिन खुले में बैठा रहता है सोचता है कोई कार रुके कुछ सामान उसका खरीदे तो ये सब जब नहीं बिकता है तो वो बेचारा सैड हो जाता है तो दैट इज़ यूज फॉर हिम दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर वो सारा दिन ऑलमोस्ट पूरा डे ओपन में बैठ के प्रेयर करता है एंड वट वट फॉर ही प्रेज ही प्रेज फॉर द यू कैन से कार्स टू स्टॉप देयर देखते हैं आगे क्या लिखा है कि वट ही इज प्रेइंग फॉर द स्पील ऑफ ब्रेक्स वो प्रे करता है कि कोई यहाँ पे गाड़ियों के ब्रेक लगे कोई यहाँ पे गाड़ियाँ रोके द साउंड ऑफ ए स्टॉपिंग कार वो वेट करता है कि कोई कार यहाँ रुके ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश दैट पास कि इतनी सारी थाउजेंड्स ऑफ कार डेली वहाँ से पास होती है कि कोई तो वहाँ रुके दैट पास दैट रोड जस्ट वन टू इंक्वायर वट ए फार्मर्स प्राइस आर कि कोई एक तो रुके और पूछे कि ये फार्मर के जो चीज़ें उसने यहाँ डिस्प्ले कर रखी हैं जो वेजिटेबल्स हैं फ्रूट्स हैं उनकी कॉस्ट क्या है उनके प्राइसेस क्या है एंड वन डिड स्टॉप वो चाहता है कि कोई एक रुके बट नॉट टू प्लो अप ग्रास प्लो अप मीन्स टू टर्न ओवर कि घास को मीन्स बट ओनली टू प्लो अप ग्रास कि अगर कोई रुकती है इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड कि अगर कोई कार रुकती है तो क्या है कि वो उस ग्रास को टर्न ओवर करती है कि जो वहाँ पे घास लगी हुई है उसको और स्पॉइल कर देती है खराब कर देती है इस वजह से इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड कि जो उसका यार्ड है शेड के सामने जो खुला स्पेस है जिसमें घास उगी हुई है उसमें अपनी गाड़ी को टर्न करने के लिए उसकी जो ग्रास है उसको भी स्पॉयल कर देता है खराब कर देता है एंड अनादर टू आस्क द वे टू वेयर इट इज बाउंड अगर कोई दूसरा रुकता है तो वो क्या पूछता है where this road goes to. तो रास्ता पूछने के लिए रुकते हैं एंड अनादर टू आस्कल इट अ गैलन ऑफ गैस और अगर कोई दूसरा रुकता है तो वो क्या पूछता है कि इफ़ दे से गैलन ऑफ गैस की यहाँ पे क्या गैस मिलेगी क्योंकि गैलन गैलन क्या होती है एक यूनिट uh, होती है गैस को मापने के लिए लिक्विड को मापने के लिए तो वो लोग पूछते हैं कि यहाँ पे क्या गैलन ऑफ गैस मिलने वाली है दे डिड दिस क्रोसली दे हैड इट सी तो दे कुडंट कि उनको वहाँ पे गैस नहीं मिलेगी दिस क्रोसली क्रोसली मीन्स पोइट ये बात बड़े गुस्से से बोलता है एंग्रीली क्योंकि क्या दिखता नहीं है भाई देखिए पेट्रोल पंप है या सीएनजी है डीजल है वो वहाँ पेट्रोल पंप पे मिलता है या किसी छोटे से शेड में दे वॉन्ट गेट एनी गैस तो पोएट को इस बात पे गुस्सा आता है दैट्स वाई ही सेज दिस क्रोसली दे कि इनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है क्या दिखता नहीं है क्या दैट्स वाई द पोएट गेट्स अनोय ही गेट्स एंग्री तो अब देखते हैं लर्नर्स इसमें स्टेंजा में कौन कौन से पोइटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं देखिए जो हमारी फर्स्ट लाइन है देर इज नो कॉमा फुल स्टॉप एंड इट कॉन्टिन्यूज अप टू द सेकेंड लाइन तो ये होगा इंजेमेंट ये वाला इंजेमेंट हो जाएगा उसके बाद देखिएगा कि जो यहाँ पे सेल्फिश कार यूज हुआ है देखिए कार्स आर नॉट सेल्फिश सेल्फिश कौन है जो लोग कार में बैठे हैं दे आर सेल्फिश तो यहाँ पे जो सेल्फिश एजेक्टिव है दैट शुड कम विद द पीपल नोट विद द कार अगर इस तरह से यूज होता है एजेक्टिव का विद नाउन उसको बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपीथैट उसको क्या बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपीथेट अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉन्सोनेंस का यूज हुआ है देखिए फॉर द स्क्ल ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ हिज हिस्टेपिंग स्टॉपिंग कार यहाँ पे एस साउंड ब्रेक साउंड स्टॉपिंग तो यहाँ पे एस साउंड बार बार रिपीट हो रही है इसी तरह नेक्स्ट देखिए ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कास्ट दैट यानी टी एच साउंड यहाँ पे बार बार रिपीट हो रही है तो यहाँ पे ये यह हो जाएगा कॉन्सोनेंस इसको बोलेंगे कॉन्सोनेंस ये देखिए द थोट द सैडनेस यानी दा से दोनों लाइन स्टार्ट हो रही है तो इसको बोलेंगे एनाफोरा यानी कि जब दो लाइनें दो या दो से ज़्यादा लाइन सेम वर्ड या फ्रेज से स्टार्ट होती है दैट इज कॉल्ड एनाफोरा तो इस लाइन इस पैराग्राफ में इस टेंजर में ये सारे फिगर्स ऑफ पीस थे अब देखते हैं आगे पोएट नेक्स्ट टेंजर में क्या कहते हैं लेट्स सी द लास्ट टेंजर नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्विज लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड अब पॉइड कहते हैं कि नो इन कंट्री मनी कंट्रीज यूज फॉर विलेज साइड विलेजेस, कि जो विलेजेस हैं वहाँ पे स्केल ऑफ गेन यानी कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो उतनी नहीं हुई है जितनी सिटीज में हुई है ऐसा लगता है कि सारी इकोनॉमिक ग्रोथ सिटीज में मेट्रोपोलिटन सिटीज़ में हुई है और जो दूर दराज गांव है वहाँ तक उसका इफेक्ट नहीं पहुँचा है दैट्स वाई ही सेज द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड रिक्विजिट मीन्स डिजायर्ड कि जितना होना चाहिए था उतना अपलिफ्टमेंट वहाँ पे नहीं हुआ है विलेजेस अभी भी बैकवर्ड है दे नीड अ लॉट ऑफ मनी लॉट ऑफ डेवलपमेंटल प्लान्स सो और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कम्प्लेन और इसी से लगता है कि जो वॉइस ऑफ कंट्री मतलब जो पीपल फ्रॉम विलेज दे आर डूइंग कंप्लेन इस चीज़ की कंप्लेन कर रहे हैं दैट दे आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट दे आर नॉट गेटिंग मनी कि उनके पास वो सब बेनिफिट्स नहीं हो रहे हैं जितना गोवमेंट क्लेम कर रही है जितना बोलती है कि हम इतना अपनेमेंट कर रहे हैं आई कांट हेल्प तो पोएट आई किसके लिए यूज होता है आई पोएट uh, के लिए पोएट कहते कि मैं नहीं हेल्प कर सकता ओइंग ओइंग मीन्स एक्सेप्टिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी कि ये अगर इनकी हेल्प हो जाए तो इट वुड बी ए ग्रेट रिलीफ फॉर द पुअर कंट्री साइड पीपल पुअर विलेजेस टू पुट दिस पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन कि अगर पोइट कहते कि उनके बात उनके बस में होता उनके हाथ में होता तो ही वुड हैव टेकन आउट ऑल दिस पीपल आउट ऑफ देयर पेन इन वन स्ट्रोक वन स्ट्रोक मीन्स इन वन ब्लो की एक ही ब्लो में एक ही मुक्के में एक ही बाहर में वो सारे गरीब लोगों की गरीबी दूर कर देते अगर उनके वश में होता उनके हाथ में होता एंड नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सेन और अगले दिन जैसे ही आई कम बैक इन टू द सेंस एंड मीन्स इन देंसिबल कि अगले दिन वैन आई थिंक सेंसिवली आई वंडर हाओ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी कि हाउ यू शुड कम टू मी हाओ यू शुड कम टू आज फोर हेल्प फ्रॉम मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन और तुम मुझे ऑफर करते कि कैसे मुझे मेरी पेन से बाहर निकाल देते क्योंकि पॉइट ही इज ऑल्सो इन पेन सीइंग दीज पीपल इन पेन तो ही एक्सपेक्ट कि अगर इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी पुअर लोगों की तो ही विल आल्सो बी आउट ऑफ द पेन और वो भी एक तरह से पेन से बाहर निकल जाएगा पोएट तो चाहते हैं कि इन सब लोगों के दुख एक ही स्ट्रोक में दूर कर दें एक ही ब्लो में दूर कर दें लेकिन हम भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं अगर हम लोग जैसे किसी आउटिंग पे जाते हैं और वहाँ पे रोड साइड स्टैंडस आते हैं हमें पता है वहाँ पर आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नहीं मिलने वाले वहाँ कोई हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे लेकिन अगर हम ये सोचें कि हम अगर कुछ यहाँ से ख़रीदते हैं तो इन गरीब लोगों की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर आएगा उनके हाथ में जो पैसा आएगा वो उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए होगा देखिए इतने लोग हैं जो भीख मांग के खाना चाहते हैं ये कम से कम वो लोग हैं जो अपनी मेहनत से कुछ कमा के रिस्पेक्टफुल राइफ जीना चाहते हैं तो क्यों ना हम इस वे में उनका कुछ सा, उनकी सहायता करें उनको ऊपर उठने में उनकी प्रोडक्ट्स ख़रीद के मदद करें और आ, ये जो डिस्पैरिटी बिटवीन रिच एंड पुअर है ये आजकल बढ़ती ही जा रही है चाहे वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स कितना भी क्लेम करें कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है लेकिन साथ साथ हम ये भी पढ़ते हैं कि अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है जैसे अपने इंडियन गवर्नमेंट आजकल नारा दे रही है सबका साथ सबका विकास यानी कि किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट तभी होगा जब उसमें दूर दराज के इलाकों के लोगों का भी विकास होगा उनका भी डेवलपमेंट होगा और उनका डेवलपमेंट तब होगा जब हम सब मिल उसमें सहयोग दें और गवर्नमेंट भी उनके लिए कुछ प्लान्स बनाए इसके साथ साथ हमने देखा है कि आ, वोकल फॉर लोकल का नारा जो कि गवर्नमेंट दे रही है यानी कि जब हम दूर दराज के इलाकों में जाएं तो वहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स ख़रीदें ताकि लोकल लोगों को कुछ इकोनॉमिक सहायता मिले उनको आगे ग्रो करने का मौका मिले तो विद दीज वर्ड्स लर्नर्स मैं होप करती हूँ कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी मैं आपसे एक गुजारिश करूँगी कि आप सारी पोएट्स के नेम एंड उनकी पोएम्स के नेम अच्छे से याद करें क्योंकि ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लाइन बाई लाइन एक्सप्लनेशन ध्यान से पढ़िए क्योंकि कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं जिनमें जो आपको डिफरेंट वर्ड्स के मीनिंग हो सकते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं लाइन का मीनिंग क्या है इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं सो आई होप कि आप ये सारी चीज़ें बड़े ध्यान से करेंगे और अपने बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे विद दिस होप मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू हैव एन नाइस डे